नदीम जड़ी सामने थारा ये नूरानी चेहरा बैठा है ये अच्छी अच्छी सफेद पगड़ा बैठा है थारा लीडर भी यही थारा एमएलए भी ने ना समझो मिनिस्टर भी यही सारो थारी लड़ाई लड़ वास्ता थारा खादम थारा सिपाही हर जगह थारे नाल पेश पेश है तब अपनी सभा में इस बात का इताद करो इंशाल्लाह हम अगर चल मत दिन रात का बाकी नहीं छोड़ सा शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। और मैं कायदो सालारे काफला सदर आप जब विष्णु गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा ट्रस्ट का चेयरमैन शाह मोहम्मद जी और हमारा एक मेहमान कर्नल जी आया है तंजीम का जनरल सेक्रेटरी यासीन पसवाल जी हाजी सलामुद्दीन बजार जी वफा साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जितना भी आया है जिला तो और बाकी साथियों क्योंकि सारा मैं ना अगर ले हूं, तो वो मिनप्पा ले शाह मोहम्मद कह रहे हैं कि बिल्कुल काम टाइम दे और मैं बिल्कुल काम में दे खास करके शाह मोहम्मद जी को इनकी मसरूफियात थी आज की डेट में एक जो प्रोग्राम भी है वो समझो है सारा वो हमारा भी है और उनको भी है और मेरी गुजारिश रहेगी कि एक तो वापस चल रहा है गड्डियों में जितनी जितनी कैपेसिटी होगी उन्हें मद्देनजर रख के तो उस प्रोग्रामों में जाना चाहिए क्योंकि वो सारा वो समझो है और दूजे तौर पर मैं मशहूर हूँ उन आदमियों को जो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का है कि आज का इस महाराज नाचीज या बंदा का कैंप है कि तशरीफ फरमा होया और अपने राय दी और उम्मीद करूँगा मैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह यह राय जी है थारी कौम वास्ते सही कार्य में साबित है कोई मसाज कुपवाड़ा का ही कोई कठुआ का ही कोई पुंछ का ही कोई करना का ही कोई डोडा का ही कोई किश्तवाड़ का ही लेकिन जितनी दुख दर्द की कहानी अगर सुनाई जाए वह इससे कम्युनिटी की है इससे हमारी लाचार और कमजोर कम्युनिटी जो गुजर बकरवाल है इनकी है। ज्यादा वक्त ना लेता हूँ सिर्फ इतना तुमने गुजारिश करूँगा अल्लाह के वास्ते एक काम करो आओ सारा एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा हो जाओ चाहे वो सियासी तौर पर जिस भी पार्टी का नाम है हमने कदे आज थोड़ी यह गल नहीं कही कि तुम किस पार्टी ने वोट दो या के करो लेकिन इतना जरूर आज हम इस आज का इस प्लेटफार्म तुकांगा कि अपना हकूक के वास्ते अपना हक न लेने के वास्ते अल्लाह के वास्ते और अपना आप के वास्ते एक हो जाओ छोड़ो इस न एक दूजा की लत पुलिस टंगा खींची ना एक दूजा की लत खींचन ना छोड़ो और मैं ज्यादा टाइम इस वास्ते भी नहीं देता आज क्योंकि दूसरा प्रोग्राम जो है उस भी जानू है खास करके मैं मुश्ताक साहब नमनी आला जरा उनको बहुत बड़ा मशहूर हाँ अब्दुल हाजी हाजी साहब है उनको बहुत मशहूर हैं क्योंकि आज थोड़ी गुजर कॉन्फ्रेंस की कोई भी मीटिंग उसने नहीं छोड़ी और जाकिर साहब को मशहूर हैं जितनी भी टीम है काम करने वाली गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस की उन सारा को मैं मशहूर हैं और लास्ट में एक चीज मैं कह दूँ हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब मेरी आवाज आ रही है सबको क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से कुपवाड़ा बारामूला उन इलाकों में था और मैं सर्दी बहुत थी तो बीमार हूँ इसलिए माफी चाहूंगा। आदरणीय एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी साहब सलामुद्दीन साहब हमारे इंटरनेशनल गुजर महासभा और पूरे गुजर बिरादरी के जितने भी आप लोग बैठे हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन कि आपने मुझे मौका दिया। मैंने कहा रे भाई साहब ये मेरे गुजर बिरादरी का कोई भी मंच हो बुलाना क्या है मैं गुजर हूँ मेरा हक है जाने का और उसमें बात करूँ तो इसलिए मैं हाजी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे गेट से बाहर नहीं निकाला क्योंकि मैं तो आपका सिपाही हूँ सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा बुलाने की क्या जरूरत है ये तो हमारी बिरादरी का मंच है साहब और हम आपके तह एहसानमंद है कि आप इस लड़ाई को कितने वर्षों से लड़ रहे हैं हम तो चंद एक वर्षों से बीच में आए हैं। अब रही बात मेरे से पहले आप सब ने बड़ी बड़ी बातें हमारे गुजर बकरवाल की समस्या बता दी मैं इतना ही बता सकता हूँ कि पहली बार 1985 के अंदर 85 के अंदर जब मैं कश्मीर में कदम रखा था मैं मात्र 22 या 23 साल का था और जो पहला व्यक्ति मुझे मिला जो मैं फौज में अधिकारी गया जिसने मेरा पोर्टर का सामान उठाया वो एक खटाना था तो मैंने पूछा भैया आप खटाना कैसे हो तो उसने कहा कि हम गुजर हैं तो मैंने कहा मेरी माँ खटानी है यार तो मैं गुजर हूँ क्या तो मेरे को अगर मेरी कौम का एहसास कराया तो आपने कराया और किसी ने नहीं कराया है। दूसरी बात पूरा जीवन मैंने आपको गुजर बकरवाल को सेना के साथ
और अन्याय तो हर युग में आपके साथ हुआ है, उस बात पे नहीं जाऊंगा, पर यही कह के समाप्त करूंगा कि आप सबकी ताकत और हम सब लोग जो हिंदुस्तान में 15 करोड़ है, आपके हर व्यक्ति के दुख को समझते हैं, ये याद रखना है। और मैं किसी राजनीतिक पार्टी का मुझे कोई गलती मत कर लेना, मैं तो रोज एक ही दुआ करता हूँ कि हमारे गुजर बकरवाल समुदाय के लिए कश्मीर में इतने वर्षों के बाद अगर किसी सरकार ने हकूक दिए हैं तो मैं उसका गुलामी करने को तैयार हूँ, क्योंकि 70 साल तक इन 26 लाख भाइयों की किसी ने आवाज नहीं सुनी। अरे ताली तो बजाओ उनके लिए। हमको किसी का समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए, हमें उस आदमी का समर्थन करना चाहिए जो हमारे गरीब बिरादरी के भाई की, जो हमारी समस्या का समाधान करे। और अगर आज हमारी जो मांग उठ के आई है, हकूक मिल गए पर फिर भी जमीन के ऊपर न्याय हमारे साथ नहीं हो रहा है, उस न्याय को हमने हासिल करने के लिए एक ही मंत्र है, ये मंच हजार हो सकते हैं पर हमें हर अपने भाई का समर्थन करना है, जब वो समस्या होती है उसकी, उसके पीछे हाजी साहब हमें खड़े होना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब तक मेरी जात को तल्लक है या मेरी टीम को तल्लक है, हम दिहाड़ी रात एक करके थारे नाल लड़ांगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जितनी ताकत होगी। लेकिन नाम डाल दिया है कि मेरी मारी ताकत भी, तंजीम की ताकत भी तब बढ़ेगी जे तम आज की तरह फिर किट्ठा हो गए आवेगा, एक प्लेटफार्म पर आवेगा, अपना हक और हकूक के वास्ते लड़ेगा। अपना हक भी उतनू छोड़नू गुना है जितनू किसी को हक लेनो हक दबाने गुना है। तो साथियों मैंने उम्मीद है कि अपना हक के वास्ते श्याम अमन जी जिस वक्त को बुलावा तो एक प्लेटफार्म पर किट्ठा हो जाओ, कर्नल जी अगर बुलावा तो एक प्लेटफार्म पर घर किट्ठा हो जाओ, क्योंकि घर से गुजरा भी है ना। कर्नल साहब मैं जिम्मे में कल तुमने कह दूंगा कि जम्मू कश्मीर का गुजरा का बड़ा मसाइल है, मैं जानूंगा, बाकी लोग इतना नहीं जानता, थारी अपनी तंजीम का लोग भी इतना नहीं जानता, मैं जानूंगा तमना, बेशक हमारी मुलाकात नहीं हुई आज हुई, और जाती तौर पर मैं बड़ा मशहूर हूँ थारो कि तम बिना पूरा पतो नहीं लगो कि तुम आ रहा है, और मैं फिर भी थारा बहुत बड़ा मशहूर है, बहुत बड़ा मशहूर है थारा, बहुत बड़ा दिल है, तुम आ गया इस भारत में फार्म पर आया, और एक चीज में जरूर कहूँ गोजरी समझ आवे ना, कंजूसी ना करियो, थारे को है खुला दिल रखो और लड़ाई लड़ो, अगर उनके वास्ते तुम इतना कम, पार्टी के वास्ते इतना कम कर रहे हैं और इस कौम के वास्ते भी कम करो, क्योंकि इससे कौम के बीच तुम निकले। खुदा हाफिज। शुक्रिया। और हम सब के दिलों की धड़कन जनाब कर्नल देवानंद साहब सदर इंटरनेशनल गुजर महासभा से गुजारिश करते हैं कि आप अपने ख्याल से हम सब इस दिन गांव किसी भाई का टूटता है तो मुझे दुख होता है दूर दिल्ली या जयपुर में बैठ करके कि क्या 50 आदमी भी हम जा करके भूख हड़ताल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए भाइयों। और आज इस मंच से अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मैं इस भारत सरकार से आग्रह करूंगा और इस पूरे देश के नागरिकों से बिल्कुल दो आग्रह करना चाहता हूँ देश और भारत सरकार से कि देखो भाइयों, मैं एक फौजी होने के नाते और 35 वर्ष मैंने सेवा दी इन्हीं के बीच में, मैं आपको बता दूं अगर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है तो इस गुजर बिरादरी जम्मू कश्मीर के कारण। नंबर दो, अब समय आ गया है एक गुजारिश, हमारा समर्थन करें, हम गरीब लोग हैं देश के नागरिकों से सरकार से कि हमारे को हमारे हकूक दे दिए जाए, ये कामना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। अगर मेरे पास आपकी इजाजत तो हाजी साहब आपका प्रोग्राम है, जैसा मुझे संदेश मिला है कि आज हमारी कौम को लेकर के जो हमारे मुलाजिम है, ST आरक्षण हमें पूर्णतः मोदी सरकार ने दे दिया है, लेकिन हमारे मुलाजिमों के प्रमोशन की बड़ी समस्या है जिसके कारण आज वो धरना दे रहे हैं पनामा चौक के ऊपर। मेरी आपसे विनती है उन अपने बच्चों के लिए हमें उनके पीछे खड़े रहना चाहिए। हाजी साहब आपकी इजाजत है तो भाई हाजी साहब की इजाजत है, जोरदार ताली बजाए और हम सब वापस बैठ लेंगे ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद आपके प्रेम के लिए। और आखिर में गुजर एकता, भाई जोरदार नारा, गुजर एकता, गुजर एकता, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत। मैं अपने बिरादरी आज दर्ज करना चाहूंगा कि
गुज्जर कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में बताइए क्या मसले रहे और किस मसले पर आज कॉन्फ्रेंस रही है। जी जो आज गुज्जर बकरवाल की कॉन्फ्रेंस थी, ये गुज्जरों के हक हकूक की बात करते हुए उस तर्ज पर बात थी। ये इसमें डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर कठुआ उधमपुर पुंछ रजौरी तमाम इलाके से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे जो सीनियर हजरात थे वो इसमें शामिल हुए। तो हमने ये गुज्जर बकरवाल के हक हकूक की बात की यहाँ पे की और सरकार से अपील की कि ये गुज्जर बकरवाल ऐसी कौम है जो कि अपने मुल्क के साथ पूरी वफादारी करती है और जम्मू कश्मीर के पुराने बसिंदे हैं। तो हम चाहते हैं कि गुज्जर बकरवाल के ये जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जो परमिशन का सिस्टम है वो भी अच्छे तरीके से किया जाए और इनका रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है उसको भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो मैं हम ये चाहते हैं कि यहाँ गुज्जर बस्तियों में जहाँ गुज्जर जहाँ लोग रहते हैं, चाहे वो बेली चराना में हो, चाहे गुज्जर तहसील बस्ती में रहते हों, चाहे यहाँ पुराने लोग जो यहाँ 200-400 साल पुराने जो लोग रह रहे हैं, इन पे बुलडोजरों की जो कार्रवाई है वो ना की जाए, क्योंकि ये पुराने अपने मुल्क के अपनी रियासत के वफादार लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि ये आपका अंग है, इन लोगों को डिस्टर्ब करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा अपनी रियासत का, और इनको जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई है उसको भी इनको प्रॉपर तरीके से उसमें इनकी जो हिस्सादारी है वो दी जाए। तो उसमें किसी दूसरी अगर कम्युनिटी की आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन देते हो तो उनका अलग से कोटा रखिए, उसमें किसी दूसरे को नहीं डालना चाहिए। कौन से मसले हैं जिस पर अभी तक जो मसले गुज्जर से पूरे नहीं हो सके और जो चाहते हैं एलजी साहब वो पूरे करें? हम मेन तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो इन्होंने दी है, जैसे हमारी 8 सीटें जो दी हैं इन्होंने, तो उसमें 9 MLA तो हमारे ऑलरेडी पहले ही बनते हैं। तो हम चाहते थे कि जम्मू के अंदर भी हमें 1-2 सीट जो है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए ST के कोटे में, लेकिन जम्मू से हमें कोई सीट नहीं मिली। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आपने जम्मू में भी 1 सीट जो है 2 सीटें वो रखनी चाहिए थी। इसी तरीके से अगर पुंछ रजौरी में आपने की हैं तो वहाँ पर भी इस ST कोटे में किसी दूसरे को नहीं डालना चाहिए, यही हमारी डिमांड है। मेरा नाम मोहम्मद अली, गुज्जर कॉन्फ्रेंस के तरीके से क्या बोलना चाहेंगे? मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का जो आज का प्रोग्राम था ये एक बुनियादी सतह का प्रोग्राम था। इसमें जिन मुद्दों को उजागर किया गया है, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, डिलिमिटेशन हो, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों पर जो है यहाँ बात की गई है। साथ में जो हमारा इस वक्त में फॉरेस्ट राइट एक्ट के अलावा ये सरकारी मकबूजात सरकारी रकबों के ताल्लुक से जो बात चल रही है, इसमें मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आज तक यहाँ पर लोग रह रहे हैं और रहते चले आ रहे हैं, इन लोगों को अगर इस तरह से उजाड़ा जाता है तो ये लोग किसी काबिल नहीं रहेंगे। ये लोग मजबूर हो जाएंगे, ये नकले मकाने पे मजबूर हो जाएंगे, ये दरियाओं के पास रहने पे मजबूर हो जाएंगे, ये टेंटों में रहने पे मजबूर हो जाएंगे, तो क्या इससे सरकार का नाम निकलेगा? इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को दरिया दिली के साथ में अब स्टेट लैंड के हवाले से भी फैसला करना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, प्यार और मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारें। खसूसी एतबार से जो गुजर कम्युनिटी है, ST कम्युनिटी है, उसको जो दरपेश मसाइल हैं उन मसाइल को हल करना ही जम्मू और कश्मीर के मसाइल का हल है। जम्मू कश्मीर के मसाइल का हल गुजर कम्युनिटी को इग्नोर करने के बाद अगर तलाश किया जाए तो मैं नहीं समझूंगा कि ये कोई मजबूत हल होगा। साथ साथ में मैं कश्मीरी पंडित्स के हवाले से अर्ज़ करूँगा, कश्मीरी पंडित जिस तरह से जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इसी तरह से जम्मू कश्मीर का अटूट अंग कश्मीरी पंडित हैं, उनको अपनी जगहों में लौटना चाहिए और अपनी जगहों में लौटते हुए मुसलमानों को, गुजरों को, सिपियों गद्दियों को और यहाँ के रहने वाले लोगों को उनका वेलकम और इस्तकबाल करना चाहिए। हम भी कश्मीरी पंडितों का अपने अपने मकाम पर वापसी के लिए इस्तकबाल करते हैं। हमारे खिता चनाब से कोई पंडित नहीं गया है, वहाँ सारे मौजूद हैं और सारे भाइयों की तरह रह रहे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रनावी चौधरी मोहम्मद यासिन कोसवाल, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जैन के गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का। आज किन मसलों पे कॉन्फ्रेंस रही और आपने किन क्या मसले आज यहाँ पे सवाल? हमारे नए कोई मसले नहीं, हमारे वही जो पुराने मसले सदियों से हमारे चल रहे हैं,
उसी इसना में हमने आज यहाँ गुजर बकरौल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया और सारी जितनी भी गुजरों की तंजीमें हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी की वो सारी तंजीमें गुजर बकरौल कॉन्फ्रेंस के बैनर के तले या ट्रस्ट में इकट्ठी हुई और हमने मिलजुल के एक ही आवाज़ तो हम एक हैं उसी पर हमने जो हमारे जैसे फॉरेस्ट एक्ट को नाफज किया गया है सिर्फ मीडिया तक ही महदूद है, अमली जामा नहीं पहनाया गया या हमारे खानेबदोश जो लोग हैं लैंडलेस होजलेस बहुत सारे इलाकों में लोग हैं इनकी रिहेबिलिटेशन की बात की गई, फॉरेस्ट एक्ट का बात की गई, इसके साथ साथ हमारे जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का मसला है आज जम्मू में ही हमारे एसटी एससी फेडरेशन वालों ने एक रैली निकाली हुई है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो मुलाजम जो ना ये क्या कहते हैं इनको आज के दौर में भी लकड़ियाँ जला के जो पड़े हुए लोग हैं तो उनकी परमिशन जो है वो उनकी परमिशन जो होनी चाहिए, इसी तरह से हमारे मालूम की परमिशन जो है यहाँ से परमिशन जम्मू से कश्मीर लेने के लिए उसका एक बड़ा इशू बना हुआ है, हमारे लोग डीसी ऑफिस में या तहसील ऑफिस के बाहर खड़े कतारों में खड़े, हम चाहते हैं इसको बिल्कुल आसान बनाया जाए और जहाँ जहाँ भी हमारे लोग रह रहे हैं बहुत सारी जगह ऐसे जहाँ हमारे लोग बैठे हैं सदियों से बैठे हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को मुआवजा दे के गवर्नमेंट इनसे अपना मुआवजा ले ले जो भी इलाके के तनासब जो रेट ये अदा करने के लिए चाहिए और इनको 5-10 मरले जो ज़मीन वो अलाट की जाए ताकि बार बार इन लोगों पर ये पीला पंजा जो ना चले। वो मैं चौधरी सलामदीन कुपवाड़ा से, मैं यहाँ आज गुजर बकरौल कॉन्फ्रेंस की एक आम मीटिंग थी इसमें मैं भी शमूलियत की, तो मैं आर्जी करना चाहूँगा कि वो जो पंडित बरादरी की एक वो शाया हुई है वो कुछ क्या बोलते हैं उसना कि फिल्म को शाया हुई है कश्मीर पर, मैं ये रसूख से कहूँगा वो ऐसी कोई कौम नहीं कश्मीर के अंदर जिसका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हुआ, पंडित बरादरी का हुआ, कश्मीरी बरादरी का हुआ, पहाड़ी बरादरी का हुआ और क्या सरदार बरादरी का हुआ, पंडित बरादरी का हुआ, गुजरों का भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन इसमें ये देखने की ज़रूरत है इस पर अमल किसने किया और उस चीज़ पर पानी किसने डाला, पानी अगर डाला उसका हमने मुँह तोड़ जवाब दिया और मैं राजेश पायलट को कुपवाड़ा वाले कश्मीरी बरादरी गुजर बरादरी पहाड़ी बरादरी मिलकर हमने राजेश पायलट को वहाँ लाया और कश्मीरी बरादरी का भी पंडित बरादरी का भी और पहाड़ी बरादरी का भी गुजर बरादरी का भी जो भी नुकसान हुआ था उन पर मरमें जो डाली वो राजेश पायलट ने डाली, हमने मिलकर वहाँ कुर्बानी दी जिसमें गुजर बरादरी के 44 आदमी मरे और सब के सब मेरे रिश्तेदार थे। अब मैं कहूँगा कि एक ही बरादरी का नाम आना ये नाइंसाफी है, पंडित बरादरी हमारी सिर ताज है और पंडित बरादरी के बगैर कश्मीर जो है वो अधूरी है, हम अगर जिंदे रहे और इंशाअल्लाह रहमान गुजर बरादरी और पहाड़ी बरादरी मिलकर पंडित बरादरी को कश्मीर ले जाएगी शाना बाशाना उनकी जगह हम सरदारों की जगह कश्मीरी बरादरी की जगह हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम।